कई कहते जी सा मन साफ है अमृतसर कहते की लड़ है आप ये सोचे भी गुरु गोबिंद सिंह का मन साफ नहीं उन्हें पंजाब प्यारे को जाके दात मंगी पै दया सिंह जी कहन लगे गुरु महाराज जी असं तो पांच सीज देते तुम कले हो। गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे भाई दया सिंह जी ये अमृत का कोई मुल नहीं है। हाँ तुम कह रहे हो साडा असी सारे परिवार दे के भी तभी साडा पूरा नहीं होना। गुरु महाराज ने 27 मेंबर वार के अपना जो सिक्की का सिर बख्शी है ना दात बख्शी सानू अभी सर भुली जाने ये गुरु महाराज का बहुत बख्शिश है। गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लगो हूँ देखो मैं एक सिंह हिंदू होके भी मैंने गुरु ग्रंथ साहब के बाद मैंने बहुत प्यार है। देखो हूँ आप एक सोचना हूँ बाइबल है वो सिर्फ ईसाई वास्ते है कुरान शरीफ है वो सिर्फ मुसलमान भाई वास्ते है भगवत गीता रामायण है सिर्फ हिंदू भाइयों वास्ते है साडा गुरु ग्रंथ साहब के सारे का सांझा आ जड़ा मर्जी चल जाए हर एक अपना गल लाते हैं जड़ा देखो हूँ गुरु ग्रंथ साहब के हूँ 1000 बंदे बैठे होंगे उन्होंने में एको होंगे उदे विच सारे दा मतलब मसला हल हो जाता है एक हुक्मनामा हरेन दा सारे दा मसला हल हो जाता। महाराज आप गुरु ग्रंथ साहब की आप गलबात करिए ना महाराज बोलता ऐसी कोई बात नहीं है असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मनते नहीं है मन के देखो एक बारी आप कोई काम देखो तुसी माड़ा काम करना गुरु ग्रंथ साहब हुक्म ले लो उते वो कहिंदा भी मना कर दे चंगे काम करना हुक्मनामा ले लो बहुत वधिया आ जाता हुक्मनामा आ जाता ठीक है ना। ये मैं खुद आप देखे है वो मैं देखो उन्होंने मैं सहज पाठ करता 3 महीने एक सहज पाठ करता मैं ठीक है। मैं लैपटॉप है वो करता रहना बाकी मेरे को मोबाइल भी है महाराज की बहुत बख्शिश है। मैं सारे संगत में अपील करता भी नशा छोड़ो गुरु वाला बनाओ अमृतसर के सिंह सजो यही मेरी बार बार यही मेरी बेनती है। इतने पंजाब दे विच तुसीं क्या नशा बहुत है जी तुसीं बंगलौर तो चल के इतने आ गए नशा छड़ाने वास्ते इतने साढ़े बड़े धार्मिक आगू है सियासी आगू वो कुछ भी नहीं कर रहे। देखो जी मैं किनू किनू कहाँ कोई हूँ मैं एक बार किसी को राजस्थान के गुरुद्वारा साहब है उत्ते छड़ इत ना अपना फिरोजपुर लगे है श्याम सिंह अटारी उत्ते गुरुद्वारा साहब गया सीगा उत्ते बाबा जी ने मिलने गया मैं बाबा जी कहता कितों आया मैं कहते बेंगलुरु चाह मैं नशे के खिलाफ प्रचार करता वो बाबा मैंने पता की कहता कहते घर बैठे सिमरन करो तेन इतने कौन की आने लौड़ की है। मैं सोचा चलो भाई मैं मत्था टेके बाहर निकल गया पता की है साढ़े लोग ना किसी कोई बंदा ना चंगा काम कर रहा उसकी लत्त तह नहीं चकना लत्त तले खिंची जाएंगे इस करके हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा तुझे रोजाना कितना साइकिल चलाने पर 100 किलोमीटर चला लेना थक भी जाना 100 किलोमीटर चला के भी मैं लंगर पानी बना के खाना लंगर पानी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लंगर जिम्मे गुरुद्वारा जाने जी मान लो कई बार कई छोटे गुरुद्वारे होंगे जिन्हें सहबाना जो चलता नहीं होंगे ना मिले मैं अपनी बना के खा लेना उन्होंने कह देंगे तुम भी आ गए छक लो बना लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गैस है मेरे को सब कुछ है गैस रखे कुकर रखे है छोटा एक चाह वास्ते पतीला रखे है बाकी चकला बेलना तवा पूरा समान है मेरे को मसाले मसाले सब प्याज पूज भी नाल रखे है। हुण तक कितने लाख रुपया खर्चा आ गया मेरा 7 लाख रुपया मेरा खर्चा हो गया हुण तक बाकी लोगों ने थोड़ा बहुत मेरा हेल्प किया है 30-40 हज़ार रुपया मेरा उदा बनया सीगा लोगों ने जिहड़ा दिता सन्मान किया सीगा बाकी मैं किसी को जाके मंगता नहीं है मैं मंगण दा काम नहीं है ना 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 मैं जांदा मत्था टेक के अपना कमरा ले लिया चुप करिए मैं कमरे च निकलता बाहर आए नहीं है मैं ये लंगर मिल गया शक्ल ना तो कमरे जो बना के बैठ के गए आए नहीं कहता भी तू किधर यार मतलब कई लोग यहोजे भी होंगे डीमोरलाइज करने वाले भी जी मैं एक गल दसा पंजाब लोग ना मैनू कई लोग पागल भी कहते बेलड़ भी कहते कहना यूं फिरदा रहता साइकिल लेके कोई काम नहीं कार्ज नहीं है कई कहते तू कई मतलब बिना मतलब के बंदे मिल जाते तू की करना साइकिल दे की ले फिरदा ये क्या है वो क्या है पूछने वाले बहुत होंगे आप ज़्यादा किसी नाल गल नहीं करते अपना चुप करके मैं तुरी जाना होना मैं आप ज़्यादा गल नहीं करते किसी नाल लोड़ नहीं है मतलब दी गल हो ना आ कोई जी करके बुलाया जी करके आप ही बुला देता कोई उल्टा सीधा बोलता फिर मैं उत्ते खड़ता नहीं है वो कहते ना मूर्ख लोगों नाल उलझना भी गलत होंगे गुरबाणी भी कहती है। हाँ जी हाँ जी इस करके आप किसी नाल ज़्यादा गलबात नहीं करते जो मिल गया गलबात किया ठीक है मैं किसी गुरुद्वारे भी जाता ना मैं किसी को जाता नहीं ना आप ही दफ्तर से मैं कितने जाता नहीं है कमरा लेना जाके पैसे जमा किया कमरा ले लिया चुप करके मैं कमरे से बैठा रहना मैं निकलता नहीं बाहर अपना लैपटॉप चलाया गुरबाणी पढ़ी गया जा वीडियो है वो देखता रहना धार्मिक उम्र होगी मेरा इस समय मैं मेरा इस समय 62 साल हाँ जी बीमारी कोई अभी तक मैंने बुखार तो बहुत है कि जुकाम भी नहीं हुआ।